जांजगीर चांपा जिले में नए साल की पहली ही तारीख को पामगढ़ जनपद पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है और अध्यक्ष राजकुमार पटेल को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 17 जनपद सदस्यों ने मतदान किया, वहीं अध्यक्ष के पद में 3 वोट ही पड़े। 24 में से 4 सदस्य अनुपस्थित रहे, 20 सदस्यों ने मतदान किया। जीत मिलने के बाद जनपद सदस्यों में खुशी का माहौल दिखाई दिया। कार्यकाल संतुष्टिप्रद नहीं रहा, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कितने लोग आप लोग थे और क्या? हम लोग 20 जने बस थे, 4 तो नहीं आए थे और वोटिंग हुई 20 का, तो उसमें 3 उसके पक्ष में गया और 17 हम लोग मने उसके पक्ष में आया, अविश्वास के पक्ष में रखे थे और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 17 वोट मिला और विपक्ष माने अध्यक्ष जो थे वर्तमान उनको 3 वोट मिला और इस प्रकार से जीत हमारी हुई है। और वास्तव में इच्छा तो नहीं थी कि हम लोग अविश्वास प्रस्ताव रखें करके, लेकिन इनके कार्यकाल से अभी जो 4 सालों का कार्यकाल था सभी सदस्यों की उसमें सहमति नहीं थी, सब असंतुष्ट थे और एक सबक सिखाने के लिए उनको ये अविश्वास प्रस्ताव उनके विरुद्ध लाया गया था। और भविष्य में कोई भी अगर जनप्रतिनिधि बने तो अपने जो परिवार वाले हैं जो जनप्रति उनको साथ लेके चले, अन्यथा उसका अंजाम यही होगा, ये एक सबक है।